अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज अपना खेत दिखाऊंगा। आप ये जो देख रहे हैं, यह ईरान या अफगानिस्तान या स्पेन नहीं है, ये हमारा कश्मीर है। ये वेजिटेटिव ग्रेथ है सैफ्रॉन का। हम इस वक्त सैफ्रॉन फील्ड में खड़े हैं और ये देखिए इस सैफ्रॉन सीड की वेजिटेटिव ग्रेथ कितना है। 1 2 और ये कम से कम है 20 इंच। 20 इंच है इतना लंबा इसका है वेजिटेटिव ग्रेथ। और बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कभी भी एक भी दाना फर्टिलाइज़र का नहीं डाला है। और इसका जो मिट्टी है ये इतनी जरखेज मिट्टी है, आप देख सकते हैं, कहने की कोई बात नहीं है, इतनी जरखेज मिट्टी है। और इसका अभी तीसरा ही साल चल रहा है, इसको हमने इसको केवल यहाँ पे 50 किलो सीड डाला है। और आप देख सकते हैं कितना घन चुका है, घना हुआ है पूरा फील्ड, आप देख सकते हैं। ये इसलिए घना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इस ज़मीन को क्या है कि ये बिल्कुल इसमें मॉइस्चर रहता है पूरे साल में, क्योंकि ये दरियाब जहलम के किनारे पे वाका है ये लैंड। अगर हमें अपने सीड को बढ़ावा देना है, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, तो हमें ऐसी लैंड को इस्तेमाल करना है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफ्रॉन। हमें इस पे सैफ्रॉन उगाना है फिर ज़रूरी। अगर आप हमें इस लैंड पे जो ये दरिया किनारे की वाकई ज़मीन है, इस पर आप अगर सब्जियां देखोगे, इतनी अच्छी सब्जी है, प्योर है, ग्रीन है, कोई डिजीज़ नहीं है, ये ज़मीन ऐसा ही है। क्योंकि इस ज़मीन में बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है और इस ज़मीन में जो न्यूट्रेंट्स हैं वो हर एक चीज़ में पाया जाता है। क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है, इस मिट्टी को, कि इतनी अच्छी जरखेज मिट्टी, आप देख सकते हैं कि हाथ से मैं कितना मिट्टी खोल सकता हूँ। ये चीज़ें अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, जो मैंने एक पहले वीडियो में बताया है कि अगर आपको अपनी सीड मल्टीप्लिकेशन बढ़ाना है, सीड प्रोडक्शन बढ़ाना है, ये उन लोगों के लिए खुशकिस्मती है जिनको अल्लाह ने ये ज़मीनें दी है। और ये ज़मीन जिनको है उनको बिल्कुल उसमें एक पूरी तौर उसमें सैफ्रॉन कल्टीवेशन करना है। आपका एक प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपका सीड मल्टीप्लिकेशन जल्दी से होगा। और मैंने ये भी देखा यहाँ पे जो हमारे अपर रेंज है, जो वुडर जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं अपर रेंज करेवा, और ये जो है लवर रेंज में बहुत तेज़ी से सीड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि हमने अगर इसमें 50 क्विंटल सीड देख रहा है ज़मीन में, मेरी ये अपनी ज़मीन खेत है, आप यहाँ पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। और अब देखिए एक पूरा खेत जो घना हुआ है, मुझे लगता कम से कम ये 5 क्विंटल सीड देगा अगर मैं इस साल इसको निकालूंगा। और बिल्कुल कोई डिजीज़ नहीं, आप ये देख सकते हैं कितना ग्रीनेस्ट है इसमें ये। और ग्रीनेस्ट वेजिटेटिव ग्रोथ देखिए, कम से कम 2 फुट 20 इंच इसमें ये हो गया है। तो यही कहते हैं, इसी को कहता है फार्मिंग। अगर आपको फार्मिंग करना है, कोई भी फार्मिंग, चाहे वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हो, सैफ्रॉन फार्मिंग कर रहे हो, शीप फार्मिंग कर रहे हो, डेयरी फार्मिंग कर रहे हो, एपिकल्चर कर रहे हो, फिशरी फार्मिंग कर रहे हो, लेकिन दिल से करना है और मेहनत से करना है। अब मैंने आपको पहले में बता चुका हूँ कि ये जो अब एग्रीकल्चर है, ये पुराना एग्रीकल्चर नहीं है, इसमें टेक्निकल इंटरवेंशन बहुत आ चुका है और आएगा भी इंशाल्लाह रहमान, जब आप जैसे नौजवान, मेरे नौजवान इस खेत को हम बाज़ाबता तौर पर हिफाजत करें, अपने लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए इसको हमें बचाना है। हमें सब कुछ, जो भी हमें खान पान, पलो पोशाक, एजुकेशन, वो सारा इसी से निकलता है। तो मेरी यही मैसेज है कि सेव द लैंड, सेव द प्रॉपर्टी, सेव द फ्यूचर। शुक्रिया दोस्तों।